एक मिनट, ये से बाहर नहीं निकलेंगे। कब हुई, जैकलिन आंटी का फोन आया है। क्या? मेरा फोन आ गया? ओए, कहाँ है फोन? मेरे पास कोई फोन वो नहीं है। वो तो हुल दी थी, हुल। वो तो आपको बाहर निकालने का बहाना था। थप्पड़ मारूंगा तेरे में। झूठ बोलते, बुलाता है मेरे को। लेकिन आप एक बात बताओ। क्या? अगर मेरे डैडी को जेल हो जाए तो आप मुझे पाल लोगे? और कितना पलेगा भी तू? और तेरा डैडी जेल क्यों जाएगा? अरे कुछ गुंडों ने उन्हें फोन पे धमकी दी है। ओहो। कि हमारी दुकान को तोड़ देंगे। डैडी उन गुंडों को मारने गए, बहुत गुस्से में थे, खून उबल रहा था उनका। तेरे डैडी की चाय तो उबलती नहीं, खून कहां से उबलेगा भी? तू ना, तू अपना सवाल चेंज कर। तू ये बैठे तेरा, तू ये बोल कि अगर मेरे डैडी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो क्या आप मुझे 2-4 महीने ख्याल रख लोगे? ये पढ़। हॉस्पिटल में क्यों? क्यों क्या मतलब, जब भी बाजी वो लड़ाई करने गया ना, पिटके आया हमेशा। आपको पता है, एक दिन कहता है चूहा मेरी मट्टी खा जाता है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वापिस आया तो उसके दोनों कान कुतरे हुए थे। मेरे को आके कवर कर रहा है, कहता है मैंने तो बालियां पहनी थी इसलिए मैंने छेद कराए। अरे ऐसी बात नहीं है, वो हॉकी लेकर गया है। अच्छा, हथियार भी खुद लेके गया घर से? अब तो जूते खा के आएगा वो। पहले भी एक बार भाला लेके गया था। अच्छा, उन्होंने इसी से छीन के ऐसी जगह मारा ना, नर्सों को जगह ही नहीं मिल रही थी, टेटनस का इंजेक्शन लगाए कहां। बाद में इंजेक्शन ना बड़ा पाव में डाल के खिलाया इसके बाप को। लगता है अपने डैडी को लाइटली ले रहे हो। लाइटली ले रहे हो, कीड़ा पड़ेगा तुम लोगों को। भगवान करे तुम लोगों की चाय में कीड़े पड़ जाए, तुम लोगों की चाय में मक्खी पड़ जाए और तुम लोग बिना देखे चाय पी जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे उबला आलू छिलके आया होता है। पाजी क्या बताओ, क्या हो गया? गली में घेर के मारा है मेरे को। ओए, इतने कमीने गुंडे थे, मारा कम है, मेरे को दांतों से काटा जाता है। डैडी, ये क्या हो गया आपको? बेटा कुछ नहीं, मेकअप कराने का शौक है, मैं ब्यूटी पार्लर गया था। देखता नहीं है, पिट कर आया हूं मैं। चल यार, ये शुक्र है चंदू तू था, पता क्यों? डीड है, तेरी जगह कोई और होता मर जाता हो। तू ठीक है? मरने की एक्टिंग की है तभी छोड़ा उन्होंने मुझे। आपको समझ नहीं आती, एक तो रोज मम्मी से घर में पीटते हो, ऊपर से बाहर से भी पीट कर आ गए। बेटे मैं अकेला था, वो तीन थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या, अगर माँ का दूध पिया तो अकेला अकेला आए। फिर अकेले अकेले ने मारा है। चिंटू पिंटू छोटू, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। तू बच्चों से मार खा गया चिंटू पिंटू छोटू से? एक काम कर, तू अपनी चाय में जहर डाल, उसमें डूब के ना फांसी पे लटक के अपने आप को गोली मार के मर जा। मैंने उनको मारना, बदला लेना है अपना। अच्छा? लेकिन ये बदला तुम ही ले सकते हो। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा मैं वहां पर नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। ऐसे बोल दिया तुमने? हाँ, और वो दुकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चिंटू पिंटू पिंटू, इनका मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। चिंटू पिंटू छोटू, लगता है कस्टमर आ गए। क्या लेंगे सर? बेटे ये कस्टमर नहीं है, ये कष्ट देने वाले नर हैं। ये पिंटू है, ये चिंटू है, ये छोटू है और ये दुकान के मालिक है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आई आई आई, नहीं नहीं नहीं, ये अरे हम तो ए बात सुने से घुर घुर के कहा देख रहे हो? अरे हम तो गिलास धोने का काम करते हैं प्रोफेसर चंडू के अंदर। मेरे अंदर नहीं, मैं तो खुद इसके अंदर लगा हुआ हूँ। मेरे अंदर, मैंने तो अभी अंडरवेयर पहनना शुरू नहीं किया है। मैं तो इसे डायपर सिलाने आया था। मम्मी मैं आ रहा हूँ। मालकिन आ गई, मालकिन, मालकिन, माल। हेलो, मालकिन आ गई। एक मिनट, किसकी मालकिन? अरे आप हमारे दिल की मालकिन, हमारे शो की मालकिन है, ये दुकान आपकी है। आपको पता है ये गुंडे आए कहते हैं आपकी दुकान तोड़ेंगे, अगर आपने कुछ कहा तो आपको मारेंगे, ऐसे बोल रहे थे मेरे को तीनों। हाँ? अच्छा, लड़के को डराते हो, हिम्मत है तो लड़की से लड़के बताओ। आ जाओ, लड़ो लड़ो लड़ो, देखते हैं आप कौन किसको मारता है।
लाश है, यहाँ से हटा दिया है। और किसको मारना है? तेरे तो मैं गुदगुदी करके मार। और किसको मारना है? किसी को नहीं और। गुदगुदी करके कोई है? चलो अपने आप जाओ, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, चलो आगे लड़ने। एक बार सोनाक्षी के लिए जोर मार दियो। सोनाक्षी ये मेरा दोस्त है, आपका बड़ा फैन है, मेरा बचपन का दोस्त है। कैसे दोस्त? ठीक है, ज्यादा एक्टिंग ना कर, अभी मार मुड़ कोई नहीं पड़ी। हाय, हेलो। बड़ा ये आपके पापा की मिमिक्री इतनी अच्छी करता है ना, सारे स्टार्स की करता है। उससे याद आया, आज सिद्धू पाजी मैं घर से निकल रही थी, उड़ के भाग रही थी, मैं लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, डैड बैठे हुए थे। अच्छा, पूछते कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कपिल के शो पे जा रहे हो। अच्छा, आजकल कपिल मेरी मिमिक्री कर रहा है, वैसे तो अच्छा करता है, बट वो उसको कह देना एक बार बस कि वो हाथ बहुत हिलाता है। मैंने तो लाइफ में ऐसे कभी हाथ नहीं हिलाया, मेरे डैड ने बोला। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। वो तो मैं एक और करेक्टर है, गत्रुगंज गिना। मैं शत्रु सर की कभी करी नहीं। ये बड़ा अच्छा करता है, अभी देखना ऐसी मिमिक्री कोई भी जो तुम्हें अच्छी लगती है। अच्छा, हम गेस करेंगे, आप बताओ। हम गेस करेंगे, तुम बताओ। ठीक है, अब मैं चाल चल के बताऊंगा। ओ कौन है? दिलीप साहब। दिलीप साहब, मैंने एक और बता ना करके कोई। मतलब आप इतनी अच्छी कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस। तो आप ना। अरे दोबारा करके बता, एक और। ओके अभी क्या मिक्री करने लगा, कुछ और करने लगा? अरे वो कपिल एक्सप्रेशन दे रहा था। पॉज बटन किसने दबा दिया? नहीं, वो कैरेक्टर में आ रहा था ना। चल जल्दी जल्दी, सीरियसली चल। अबे क्या बता रहा रे? ओ चल रे रावा रे। नहीं, ये तो असरानी अंकल है ना। ओए यार ना जा। इधर तेरी कोई, इधर मैं बताता हूँ, तेरी कोई भी आवाज नहीं ठीक निकल रही यार आज। या तू पागल से मेरी बेइज्जती करा दी। या पागल सा, जा भाजा यहां से। अगली बार अच्छी वाली का नाम है मिमिक्री। ठीक है सोनाक्षी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।